हमीरपुर के वार्ड नंबर 11 दोसड़का में बुजुर्ग रोशनलाल के रिहायशी मकान को खतरा बना हुआ है। 7 लगती जमीन के मालिक ने जेसीबी से जमीन में खुदाई करवाने के बाद रिहायशी मकान को हर वक्त ढहने का खतरा बना हुआ है। 2 दिनों से हो रही बारिश के चलते आंगन का एक हिस्सा भी ढक गया है और पूरे मकान को खतरा बना हुआ है। मकान मालिक रोशनलाल ने प्रशासन से मांग की है कि जमीन में डंगा लगाया जाए क्योंकि पहले ही मकान को खतरा बना हुआ है। हमीरपुर के वार्ड नंबर 11 दोसड़का में बुजुर्ग रोशनलाल के रिहायशी मकान को खतरा बना हुआ है। 7 लगती जमीन के मालिक ने जेसीबी से जमीन में खुदाई करवाने के बाद रिहायशी मकान को हर वक्त ढहने का खतरा बना हुआ है। 2 दिनों से हो रही बारिश के चलते आंगन का एक हिस्सा भी ढक गया है और अब पूरे मकान को खतरा बना हुआ है। मकान मालिक रोशनलाल ने प्रशासन से मांग की है कि जमीन में डंगा लगाया जाए क्योंकि पहले ही मकान को खतरा बना हुआ है। सनी कुमार ने बताया कि घर के साथ लगती जमीन की खुदाई के बाद घर को खतरा बना हुआ है। उन्होंने मांग की है कि जल्द ही समस्या का समाधान होना चाहिए। समस्या ये है कि साथ में लगती है जमीन किसी और की, अजय कुमार और विजय कुमार की। उन्होंने 9 तारीख को जेसीबी बुलाई और अपनी ज़मीन में खुदाई करवा दी। हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। खसरा नंबर 474 में हमारा मकान है, 473 में उनकी ज़मीन है। उन्होंने प्लॉटेशन करवाई, उनकी कोई प्लान रही होगी। अगर वो प्लॉटेशन करवा रहे हैं तो उसका डंगा लगाएं साथ में। मेरे मकान को खतरा पैदा हो गया, अब इसकी भरपाई कौन करेगा? प्रशासन से मांग है कि प्रशासन तुरंत कार्रवाई करे और जो उचित कदम उठता है उसको जल्दी से शीघ्र कार्रवाई करे। बुजुर्ग रोशनलाल ने बताया कि 7 लगती जमीन के मालिकों ने खुदाई से पहले एक बार भी नहीं पूछा, जिसके कारण अब घर को खतरा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि घर के साथ डंगा लगाया जाए ताकि अनहोनी होने से बच सके। 83 साल है मेरी उम्र और ये मकान जो है ये 25 साल हो गए इसको बंधे हुए को, और ये 3 मीटर इसकी जगह है, इसने खुदाई की। हमने पूछा ना गिना, ना लेना ना देना, वो खुदाई कर गया और हमारे मकान को लॉस हो रहा है। जल्दी से जल्दी इस डंगे की डंगा लगाए। महिलाओं ने बताया कि घर के साथ खुदाई करने से पहले मना भी किया था लेकिन फिर भी नहीं माने। उन्होंने कहा कि वे 2 दिनों से बारिश लगी है और अब घर को खतरा बना हुआ है। 9 तारीख को आए सीधा क्रेन लेके आए और खुदवाई शुरू कर दी। हमने मना किया कि ऐसे मत करो, आपको डंगा लगाना पड़ेगा, बाद में करना। आपने कहा पहले किसी से पूछ लो, समझदार बंदे से पूछ लो। तो उसने कहा कि नहीं, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने क्यों लगाना डंगा, आप लगाओ डंगा। अब इतने परेशान हुए, 2 दिन से बारिश चली हुई है, सारा हमारा डंगा गिर गया, मकान को खतरा है, हमारा पिलर भी बिल्कुल इस पे आ गया है। तो पूरी रात प्रशासन से हमारी मांग है जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और डंगा लगाया जाए। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।